Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। धन्यवाद, थैंक यू। पहले हेडलाइंस राजेश से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेज इंडिया विल लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल टू इंश्योर सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ फ्यूल। गोल्ड इम्पोर्ट्स फॉल 3.3% टू $26.1 बिलियन in the April to February period of this fiscal, and foreign portfolio investors put in a net of 8,642 crore rupees in the domestic capital market so far in March. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढेगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के बीच देश में सोने का आयात 3.3% गिरकर 26 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पर आया और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मार्च में अब तक देश के पूंजी बाजार में 8,642 करोड़ रुपए का निवेश किया। India will look for alternative sources of crude oil to ensure sustained supply of the fuel, Finance Minister Nirmala Sitharaman said yesterday. She said new supply chains won't likely have an impact on crude prices though. The Finance Minister reiterated the central and state governments will have to discuss about the inflationary impact of rising crude and its impact on consumers and the economy. On the economy, Ms. Sitharaman said, high-frequency indicators show the economy is steadily improving. The government and the Reserve Bank of India are carefully monitoring the situation, and the finance minister said she does not see India facing the risk of a repeat of taper tantrum. अब चंडीगढ़ से हरदीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हरदीप, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा की पूरी टीम का मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने आज से कोई 5 साल पहले 3 से 5-5 हजार की शुरू की थी एक आईसीआईसी के वैल्यू डिस्कवरी में और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस और रिलायंस टैक्स सेवर फंड में। तो अभी पिछले एक साल से क्योंकि मैंने हाउस लोन लिया था, 2 सीट मैंने बंद कर दी थी और रिलायंस टैक्स सेवर में मेरी सिप अभी भी चल रही है। तो मेरा, जैसे धीरेन्द्र जी कहते हैं कि 3-4 साल के बाद हमें रिव्यू करना चाहिए हमारी स्कीम कैसा कर रही है, तो बस मेरा यही सवाल था कि क्या तीनों स्कीम्स में अभी मेरे जो फंड्स लगे हुए हैं उनको मुझे रखना चाहिए, और अगर मुझे 2-5 हजार की सिप और शुरू करनी हो मल्टी कैप फंड्स में ही, तो क्या आप इन्हीं फंड्स में मैं दोबारा कर सकता हूं या कोई नया फंड आप सजेस्ट करना चाहेंगे? और सर, एक मेरा छोटा सा सवाल और है कि जो आजकल 81 या परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में इतना डिबेट हो रही है, तो अगर इनको 100 ईयर की मैच्योरिटी के बराबर काउंट कर लिया जाता तो उससे कैसे मतलब इफेक्ट होती है बॉन्ड की प्राइस के ऊपर? थैंक यू सर। पहला सवाल कि आपके फंड कैसे हैं? वैल्यू डिस्कवरी कमजोर चल रहा था और अब ठीक चल रहा है, और बाकी दोनों फंड भी आपके आपने रिलायंस टैक्सीवर में देखा होगा कि लंबे समय तक इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर अभी इसमें थोड़ी सुधार हुई है, पर यह बेहतरीन फंड नहीं कहा जाएगा, इसलिए उसमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि 4-5 साल से ऊपर नीचे होता हुआ अच्छा फंड नहीं हो पाया है। फ्रैंकलिन का प्राइमा प्लस ये एक अच्छा मल्टी कैप फंड था और मुझे लगता है कि ये अभी भी एवरेज का फंड है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रदर्शन की कमजोरी रही है और शायद इसे बदलने पे आपको सोचना पड़े, तो आप और मल्टी कैप फंड में ही अच्छा में पैसा लगाएं, और ये 2-3 साल पे जरूर ये रिव्यू करना चाहिए और बदलाव करना चाहिए, और आपने काफी समय तक शायद इसका बदलाव नहीं किया होता क्योंकि जिन कारणों की वजह से ये फंड अच्छे थे
और वो कारण काफी पहले एक दो फंड में खत्म हो गए थे। और ये जो अभी परपेचुअल बॉन्ड के बारे में वैल्यूएशन की बात हो रही है कि अगर 100 साल का एक बॉन्ड का वैल्यूएशन का बेसिस रहेगा तो इन फंड इन बॉन्ड्स के दाम में बड़ी गिरावट होगी। और जिन जिन फंड्स में ये परपेचुअल बॉन्ड हैं और भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, डोमेस्टिक फंड इंडस्ट्री जो डेट फंड में करीब 30,000 करोड़ रुपए का परपेचुअल बॉन्ड है, तो उसमें अगर इस तरह की गिरावट होती है तो आपके एनएवी में गिरावट होगी, जिसकी लोगों को चिंता है कि अचानक एक क्योंकि आपके लिए निवेशकों के लिए बहुत अचानक से आने वाला एक 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 बदलाव की वजह से ये गिरावट होगी। क्योंकि डेट फंड का जो वैल्यूएशन है वो एक फॉर्मूला के आधार पे किया जाता है, इस आधार के या इस बेसिस पे कि लोग बहुत सारे लोग खरीद और बेच रहे होंगे, कंटिन्यूटी के आधार पे इसको लिया जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग अचानक अपना पैसा निकालने लगे क्योंकि फंड में गिरावट होती है, फंड के दाम भाव में गिरावट होती है, तो वही ये कारण अपने आप में एक डिसरप्टिव कारण बन जाएगा। इसके बारे में अभी अटकलें लगाई जा रही है कि ये जो 100 साल का पीरियड है इसको घटा करके 10 साल किया जाएगा, लेकिन अभी देखा जाए, ये अभी फाइनल तरीके से ये नहीं आया है अभी और अभी इसका डेडलाइन बाकी है कुछ दिनों का। जॉइनिंग अस नाउ फ्रॉम दिल्ली इज आरएस धैया, वी वेलकम यू। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे सर दो क्वेश्चन है। वन इज दैट द फादरिंग इफेक्ट टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल टू डायरेक्ट इक्विटी एंड आल्सो टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स और ओनली फॉर डायरेक्टली परचेज इक्विटी शेयर्स, वन। सेकेंडली, आई हैव इन्वेस्टमेंट इन एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आई वॉन्ट टू नो द ओपिनियन ऑफ धीरेन्द्र जी, शुड आई स्टे इन्वेस्टेड और एग्जिट फ्रॉम दिस स्कीम, हाउ इज इट परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स। First question, which is a factual thing, that you know how to the capital gains on equity, it is applicable on equity as well as equity funds, and the capital gains tax rule does not apply to the debt fund. And from the taxation point of view, the definition of an equity fund is the fund where you will actually be paying a STT, securities transaction tax. And the other thing is that you know it must have a 65% and more allocation to equity. So that is the basis. It is applicable on equity as well as equity fund. The other thing is that you know you have all your all the gains before 31st of January 2018. That is tax sheltered. That is grandfathering of all the gains till that point. So you are liable to pay capital gains tax only on the gains subsequent to 1st of February 2018. And how good is HDFC small cap? It is an okay fund. It's not an extraordinary fund. So should he be investing in it? Yeah, there are many other alternatives. I don't think you know it's not a finest choice. Okay. महाराष्ट्र से अभिजीत हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर गुड इवनिंग, मैं अभिजीत परब बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ और हमें सर इस कंपनी का एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो एज ए पेंशन स्कीम है, उसमें हमें 1% इंटरेस्ट मिलता है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन सर मैंने अभी एनपीएस भी हमारे कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया है और उसमें जो ये पीआरबीएस का एक लमसम अमाउंट है वो आप वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर मुझे जानना है कि जो पीआरबीएस का एक कॉस्ट है वो मैं एनपीएस में ट्रांसफर करूं या वैसे रख दूं। मैं बीच की आपकी बात नहीं सुन पाया। सर एक्चुअली मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ जी। हमारे कंपनी का एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है एज अ पेंशन टाइप, उसमें 1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। हमारी कंपनी ने अभी सर एक एनपीएस का भी एक ऑप्शन दिया है एज अ पेंशन के लिए और उसमें एक सर और एक ऑप्शन दिया है कि जो 8 साल में जितना मेरा अभी पीआरबीएस का कॉर्स है अराउंड 15 लाख, वो आप वन टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं एनपीएस में। तो सर मुझे जानना है कि मैं सर वो एनपीएस का ऑप्शन उसके लिए चूज करूं या वैसे ही रखूं जिसके ऊपर मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरी सलाह होगी कि भविष्य के लिए अगर आपकी 10-15 साल अगर नौकरी बची है तो जरूर एनपीएस करना चाहिए, क्योंकि ये बाजार से जुड़ा हुआ आप निवेश कर पाएंगे, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से। क्या इसमें आपका एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? आपकी तनख्वाह से तो कुछ पैसा कटेगा ही, अगर आपका एम्प्लॉयर भी करेगा तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा।
ये पैसा आपका जो एक बार एक एक्युमुलेटेड पैसा है उसको यहाँ से ट्रांसफर करे या ना करे इस बात पे निर्भर करता है कि क्या आप ये जो आपका जो पेंशन स्कीम है जितनी पैसा एक्युमुलेटेड है ये क्या आप भविष्य में निकाल पाएंगे। अगर आप भविष्य में निकाल पाएंगे क्योंकि एनपीएस में जाने वाला सारा पैसा उसका 40% आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, उससे आप केवल एनुइटी खरीद सकते हैं जिससे आपको पेंशन मिलेगा और बाकी 60% आप निकाल सकते हैं। तो अगर इस पैसे को आप भविष्य में कभी निकाल सकते हैं, ये जो 15 लाख रुपए आपका एक्युमुलेट हुआ है और उस पर आपको 8% आपको रिटर्न मिलता रहेगा, तो भविष्य में आपको जरूरत हो लिक्विडिटी क्या है इसके आधार पर यह निर्धारित करना पड़ेगा आपको। फ्रॉम ग्रेटर नोएडा वी आर जॉइंड इन बाय एसपीएस जैन। वेलकम मिस्टर जैन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार जी, धीरेन जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। लास्ट वीक धीरेन जी से मैंने सवाल पूछा था डेट फंड्स के बारे में, क्योंकि पिछले 3 महीने से इनका रिटर्न गिर गया है, अब तक करीब 1% गिर चुका है। तो इनका जवाब था कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है उसकी वजह से ये है और आगे भी 6-7 महीने यही हालत रहेगी। तो मैं इसे जानना चाहता हूं कि क्या बॉन्ड फंड से डेट फंड से निकल के फ्लैक्सी या बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट किया जाए जिसमें कि वो दोनों डेट और इक्विटी का वो बैलेंस प्रॉपरली करते रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये डेट फंड में जो गिरावट भी हुई है उसका आप खेल देखिए, ज्यादा ज्यादा 0.5%, 1%, 0.25% गिरा होगा। तो डेट फंड में आपका पैसा अगर गिरता भी है तो बहुत मामूली तौर पर गिरता है, इसमें आपका कैपिटल कभी इंपेयर नहीं होता है। उसकी तुलना में अगर कोई भी आप इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं, चाहे वो कम ही हो, 10%, 15%, 20%, 1/3, 2/3, तो वहां पर बड़ी गिरावट हो सकती है। और इक्विटी बाजार में गिरावट हो और उसमें आपका पैसा अगर 5-10% कम हो जाए तो वो आमतौर पर डेट में लगाने वाला निवेशक का ये उम्मीद नहीं होती, ये उसके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा। तो बिल्कुल डेट में अगर आपको नुकसान हो रहा है या बहुत रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप उस फंड में जा सकते हैं जहां पर गिरावट की संभावना नहीं है और कोई भारी वृद्धि भी नहीं होगी, जैसे लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड, वहां पर इस तरह की गिरावट नहीं देखी गई है। हाँ, अगर आप थोड़ी मीडियम मेच्योरिटी और लॉन्ग मेच्योरिटी बॉन्ड्स में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तब वहां इस तरह की संभावना है, इनसे जरूर आपको बचना चाहिए, क्योंकि ब्याज दरें तो बढ़ेंगी और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड का दाम कम होता है और बॉन्ड का दाम गिरता है, और जब ज्यादा लंबी अवधि का बॉन्ड होगा उसका दाम ज्यादा गिरता है। तो इसकी संभाव और ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अब उसमें समय चाहे जितना भी लगे, इसलिए अभी डेट इन्वेस्टर जो कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है उसको यहां पे लगाना चाहिए। कोलकाता से समर हमारे साथ हैं। समर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। समर चौधरी, गुड इवनिंग सर। जी अच्छा, मैंने कलकत्ता ये से मैंने एसबीआई लाइफ में इन्वेस्ट किया था, एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, अभी वो उसको उठा के मैंने एसबीआई लाइफ में ये इन्वेस्ट किया हूँ। तो ये दो है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ और दूसरा है एसबीआई कॉर्प फंड में इन्वेस्ट किया हूँ। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इट, कैन कुड यू टेल मी? Depends. I don't know much about the SBI Life investment plans. And when investing in an investment plan offered by an insurance company, you should be a little wary because, you know, once you get into it, you have to stick to it for 5 years. Depends on where your money is getting invested. You have to look at other costs as well. And, you know, investment return is not the only benefit. You also get, in a small way, an insurance coverage. And at least 10% of your money goes towards buying the insurance coverage. Excuse me, sir. Yes. Is it a reliable one that SBI Life, SBI Life and SBI Discord Fund, ये सब reliable है क्या? जी हाँ, ये reliable है, ये well organized, well regulated business है, लेकिन आमतौर पर मेरी सलाह होती है कि इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान को आपको ज्यादा बारीकी से देखना होता है और एक बार लगाने के बाद आप आसानी से नहीं निकल पाते। और आमतौर पर लोगों को जो इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के परफॉर्मेंस के लिए आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए और अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड, भले वो एसबीआई का हो, क्योंकि इंश्योरेंस की जरूरत इसको फुलफिल करने के लिए एक दूसरे तरीके का इंश्योरेंस होता है जो टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है, जिसमें आप पैसा लगाते हैं, आपके परिवार के लिए वो प्रोटेक्शन देता है, आप खरीदते हैं और कुछ नहीं होने पे वो पैसा खत्म हो जाता है और काफी कम रकम में आपको एक बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिल पाता है।
के लिए उसे देखें और इन्वेस्टमेंट के लिए आप फंड को देखें और बारीकी से देखें ताकि जरूरत के हिसाब से कितने समय के लिए लगाना है, कितना उतार चढ़ाव आप झेल सकते हैं, इसके आधार पर फंड का चुनाव करें। ओके, जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली वी हैव अरुण विद अस। अरुण, वी वेलकम यू। हेलो। यस प्लीज, यू आर वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही अरुण जी, प्लीज कम क्लोजर टू द फोन। लगता है जी अरुण से संपर्क हमारा टूट गया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में यानी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच देश में सोने का आयात 3.3% गिरकर 26 अरब 10 करोड़ डॉलर का रह गया। ये आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। सोने के आयात में गिरावट से इस अवधि में देश का व्यापार घाटा कम होकर 84 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पर आ गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 151 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का था। वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में चांदी का आयात 70.3% गिरकर 78 करोड़ 8 लाख डॉलर्स पर आ गया। Okay, we are joined in by Kapil from Kolkata. Kapil, we welcome you. Please go ahead. जी बिजनेस से मेरा सवाल है। जी जी सर, मैं एक पोर्टफोलियो बनाया हूँ जिसमें ईएलएसएस में मेरा 31 लॉन्ग टर्म मेरा एसेट जीएसटी टैक्स सेवर है और इसमें मेरा 6,000 रुपया जाता है। टोटल मैं इन्वेस्ट करता हूँ 19,000 रुपया और 2 लॉन्च कप में जाता है कोनोरा रेस्को और आईसीसी प्रोडिशियल ब्लू चिप मल्टी कैप में जाता पराग। कपिल जी जरा धीरे बोलें, धीरे। हाँ, मल्टी कैप में सर जैसे फ्लैक्सी कैप में पराग परिक में जाता है 2-3 हजार, मीरा एसेट्स में जाता है इमर्जिंग ब्लू चिप में है सर 3,000, मिड कैप में 1,000 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,000 और एक तो एफओएफ का फंड है पेजिप इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी। टोटल 19,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है सर। हम रिटायरमेंट के पर्पज से इसको डाल रहा हूँ और कुछ टैक्स सेविंग के पर्पज से, तो 60 साल के बाद आज मेरा उम्र है 41, ये कंटिन्यू मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 60 साल के बाद कितना पर्पज मिलेगा और इसमें क्या कुछ पोर्टफोलियो में चेंजिंग करना है सर, इसके सलाह दीजिए। नहीं, आप ये आप चूंकि अगले 20 साल के लिए कर रहे हैं और 20 साल के लिए नहीं, शायद ये 30-40 साल के लिए हो रहा है क्योंकि 20 साल के बाद भी आपको सारे पैसे की जरूरत आपके रिटायरमेंट के समय ही केवल नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है आपको खासा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न का जो उम्मीद है ये काफी चीजों पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय के ब्याज दरें क्या है। आज हमें 10-12% रिटर्न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 5-6% आपको ब्याज दर है इतना आपको डिपॉजिट पर मिलता है। किसी जमाने में 15-18% रिस्क रिटर्न भी ठीक ठाक लगता था, ज्यादा नहीं कहा जाता था क्योंकि उस समय ब्याज दर है बिना किसी कुछ रिस्क लिए हुए आप 10-11% आप ले पाते थे आज से 10-15 साल पहले। तो ये रिटर्न चाहे जो भी हो, हमें मुझे लगता है कि इक्विटी में जिस तरह के फंड का आपने चुनाव किया, मुझे केवल आपको एक दो सलाह देना चाहूँ। आप जो कह रहे हैं आपने अच्छे फंड का चुनाव किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और अगले 20 साल के लिए कर रहे हैं एसआईपी कर रहे हैं ये सब कुछ अच्छा है। इतने ढेर सारे फंड के बिना भी आपको आपका काम अच्छी तरीके से चलेगा। अगर आपका सारा पैसा 4-5 फंड में लगा हो, एक या दो टैक्स सेविंग फंड में और 2 या 3 मल्टी कैप फंड में, तो आपकी जरूरत पूरी हो जाती है और बहुत ज्यादा फंड लेने से इन पर नजर बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपका छोटा छोटा रकम जा रहा है बहुत सारे फंड में, तो जब कोई फंड अच्छा नहीं करेगा और काफी समय तक नहीं करेगा तो आप उसको इसलिए ध्यान नहीं देंगे कि चलो इसमें थोड़ा कम रकम जा रहा है या कोई खास पैसा नहीं लगा हुआ है। तो जब आप ज्यादा पैसा लगाते होंगे, ज्यादा पैसा होगा तो आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें। तो मेरी सलाह होगी कि अपने फंड को कम करें और हर साल 1.5 साल पे एक बार इन्वेस्टमेंट को अपने रिव्यू कर लें कि वो फंड जिस वजह से आपने इसका चुनाव किया था ये अच्छे फंड थे, वो अभी भी अच्छे हैं। दूसरा चीज जो कि आपको खास ध्यान देना चाहिए और वो आपका इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, और हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको कोशिश करिए कि आप सालाना या जब जब आपकी आमदनी बढ़े तो आप अपना निवेश का रकम भी बढ़ाएं। और पिछले 4 साल के निवेश से आपको पता चल गया होगा कि कितना मैजिकल रिटर्न एक छोटे से रकम से एक बड़ा एक्युमुलेशन हो पाता है। दिल्ली से अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार, ये कहना है पूछना
अरुण, हम आपके आवाज नहीं सुन पा रहे हैं अपने फोन के पास। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इतने छोटे आदमी हैं। हेलो जी, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम तो द्रेन जी से मिल नहीं सकते, बट हम CNBC और ET और ब्लूमबर्ग इन चैनल्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जी, अपना सवाल पूछें आप। जी जी, उनका सवाल यही है कि क्या इन जो राय आप देते हैं वहाँ पर उनसे एक तो मैं टीवी के राय पे मुझे लगता है टीवी को आपको जानकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। टीवी पे बहुत कुछ, लेकिन टीवी पे जो रिकमेंडेशन है, टिप्स है, उस पर न जाए। उसका कारण यह है कि आपको देखना चाहिए कि लोग उनका इंटरेस्ट क्या है। जो ये बिजनेस चैनल है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 6-8 घंटे जब बाजार चलता है तो बहुत सारे लोगों को वो आकर्षित करता है। और आम निवेशक ट्रेडर नहीं है, उन बहुत सारी बाजार की जानकारी दी जाती है। जानकारी जरूर लीजिए, खबर जरूर लीजिए, समझिए। अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल इनपुट हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको कोई बताएगा कि क्या खरीदना है, लेकिन अगर आपको ये नहीं बताएगा कि कब बेचना है तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसके पीछे क्या सोच है, और मुझे लगता है इक्विटी में पैसा लगाना काफी बारीक कारोबार है, जिसमें कि बहुत स्टॉक को बहुत क्लियरली ट्रैक करके आप इसमें लगा करके जब होल्ड करते हैं तब आपका पैसा बनता है। और इन ये जो 6-8 घंटे का जो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलता है, इसमें आमतौर पर लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि अधिकतर निवेशक ट्रेडर नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपको ट्रेड करने के लिए आपको आइडियाज दिए जा रहे हैं, और तो इनसे थोड़ा बचना चाहिए। इसको केवल जानकारी के लिए, टीवी को इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज के लिए, बिजनेस न्यूज के लिए आप जरूर यूज करें, आइडियाज के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज के लिए नहीं। और एक आम व्यक्ति के लिए एक या दो अच्छा म्यूचुअल फंड का चुनाव करें, SIP करें, और ये अगर आप 1-2 साल 3 साल करेंगे तो मुझे लगता है आपको किसी और के सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। विनय फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। विनय, वी वेलकम यू। नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी, मेरे पास 3 फंड है, तीनों में मैंने SIP बंद कर दी है। UTI मिड कैप फंड है, ये डिविडेंड वाला था। फ्रेंकली फोकस है, ये डायरेक्ट है। एक ICS प्रू वैल्यू फंड है, तो इनमें क्या करूं अब मैं? पहले को छोड़ के बाकी जो दोनों फंड है वो अच्छे फंड है, और उसमें निवेश आपको शुरू कर देना चाहिए। और ये जब आप वैल्यू फंड में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, तो ये बहुत समय तक ये फंड अच्छा नहीं करते हैं, और 1-2 साल 3 साल अच्छा नहीं करने के बाद जब ये अच्छा करते हैं तो आपके गिरे हुए बाजार में लगाने का, पैसा लगाने, लगातार निवेश करते रहने का आपको खासा फायदा दिखता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको निवेश वैल्यू था ना जी, ये डिविडेंड वाला था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। आप बोलते रहते हैं कि जो डिविडेंड वाले फंड है उनमें कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, डिविडेंड वाले प्लान में ना लगाएं, क्योंकि आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो उससे डिविडेंड आपको प्राप्त करना आपका गोल नहीं होता है। तो जब आपने बंद किया तो उसके बाद आप ग्रोथ प्लान में शुरू कर दें। और आपके ये दो फंड अच्छे हैं, और UTI का स्मॉल कैप फंड बेहतरीन स्मॉल कैप फंड नहीं है। ओके, हफीज फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। हफीज, वी वेलकम यू। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं जानना चाहता हूँ, किसी का इनकम सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्टॉक से है जी, और उसको 1 लाख से ऊपर का अगर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है, क्या तो भी सर 1 लाख से ऊपर वाले इनकम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा? थैंक यू। अगर इस 1 लाख रुपए कैपिटल गेंस में से देखना होगा कि आपका कितना गेंस, आपका जो निवेश जो आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो कैपिटल गेंस हुआ है, कितना गेंस 2018 जनवरी के पहले का था, उस पर कैपिटल गेंस नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय तक हुआ कैपिटल गेंस एक तरह से टैक्स एग्जम्प्ट है। और उसके बाद जो आपको गेन हुआ है, तो आपके लिए कैपिटल गेंस केवल इक्विटी पे उस पर ही लगेगा जो आपके निवेश पे 1 फरवरी 2018 के बाद हुआ है। और ये उस दिन का दाम क्या था, ये हमारे वेबसाइट पे आके, और बहुत जगह ये जानकारी उपलब्ध है, आपका ब्रोकर ये उपलब्ध करा देगा। यही रिवाइज मेथड है आपके कैपिटल गेन कैलकुलेशन का। Moving on, the foreign portfolio investors have invested a net sum of 8,642 crore rupees in domestic capital markets so far in March. According to depositories data, foreign portfolio investors poured in 14,202 crore rupees
worth of equities, but pulled out 5,560 crore rupees from debt segment between March 1 and 19. This took the total net investment to 8,642 crore rupees. Prior to this, overseas investors had invested 23,663 crore rupees in domestic capital markets in February and another 14,649 crore rupees in January on a net basis. Another notable aspect is that India is the only country among most Asian and emerging markets which has witnessed foreign fund inflows. Dhiren, I read an article which you wrote, and this was in Value Research, Mutual Fund Insights, about the new way to measure fund risk and the new fund riskometer system, how it can help one avoid investments with too much risk. Would you like to elaborate on this riskometer system? Yes, the older riskometer, which was there and has been there for a few years, it was a static risk measure. If different categories of mutual funds were assigned different grades, you know, and riskometer used to put, you know, slot funds based on how risky they are in five categories. So equity and, you know, concentrated equity strategies used to get very risky or risky category. And, you know, certain kind of debt fund, particularly liquid fund and ultra short-term bond fund, lower maturity debt fund, used to get slotted as, you know, relatively safe or less risky. And it never used to change. Once a category has been assigned that rating, so now this riskometer has become dynamic in the sense that depending on the underlying portfolio, the riskometer of a fund will change on a month-to-month basis. So if a fund changes its character, its risk will change, and so will be the profit. So communication to the investor in terms of where this fund gets plotted as, and this is primarily driven by, you know, the Franklin event. It turned out to be that it was misleading in a certain day. But Franklin fund, the ultra short-term bond fund, and many other, you know, short-duration funds were looking as safe on the riskometer, but they were not as safe because and they were subject to different kind of risk, which did show up last year. So riskometer has become, so in a nutshell, I can say that, you know, riskometer has become more useful. Now it will change every now and every month. And take a look, closer look at riskometer to have a real impression, a very, very, you know, realistic understanding of how risky the fund is. Because most investors only look at the return and they try to chase that return or invest in a fund based on the previous, you know, return experience, how the fund has done. In understanding risk is important, and it only, you know, because risk visits you once in a while, having that understanding will not surprise you. A brief advice, only 20 seconds for you to tell people March 31 is coming. What would you advise to the investors? One is that, you know, look for any tax-saving avenue. Tax-saved is money earned. And consider, you know, favorably the equity tax saver, because this is the only investment avenue where you invest, get tax break, and, you know, it grows as well. Okay. जी, आज इतना ही है वक्त. धीरेन जी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Dhiren. And before we close the headlines once again, Finance Minister Nirmala Sitharaman says India will look for alternative sources of crude oil to ensure sustained supply of fuel. Gold imports fall 3.3% to $26.1 billion in the April to February period of this fiscal. And foreign portfolio investors put in a net of 8,642 crore rupees in the domestic capital market so far in March. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.